तो भाई ये थी वो गाड़ी जो कि 18-19 किलोमीटर की एवरेज दे रही थी, फिर थोड़ी सी रनिंग के बाद 21 किलोमीटर की रनिंग एवरेज दे रही थी। एज अ कस्टमर रिव्यू, कस्टमर ने मतलब कैमरे में तो जाहिर सी बात है हर कोई बंदा कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहा होता, बट उनकी जब मेरी मैसेज से बात मैसेज पर बात हुई तो उन्होंने मुझे ये बोला, जाहिर सी बात है जो कस्टमर थे वो हमारे यूट्यूब से ही आए थे, मैं झूठ तो नहीं बोल सकता कि आप समझ रहे हो क्या झूठ बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता 18 से। हकीकत है सर, देखें मैं शुरू से बोलता हुआ रहा हूँ कि गाड़ी की जो एवरेज का डिपेंड करता है वो गाड़ी की कंडीशन पर डिपेंड करता है, कि बंदा किस पैर से गाड़ी को ड्राइव कर रहा है इस पर डिपेंड करता है। ये जो कस्टमर है जब मैंने अरे भगाने को भगाऊं, कलर नहीं मिल रहा ताकि तुम शॉट मारो, शॉट मारो, शॉट मारने को अभी मार दूं, शॉट की टेंशन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल्टो पार्ट्स वाले से अम्माद अजीज एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं, सुजुकी ऑल्टो VXR का प्रोजेक्ट लेकर आ चुके हैं। 2000 मॉडल गाड़ी है और यार ये गाड़ी ऐसे लग रही है कि 2012-13 मॉडल की हो यार, बेहतरीन 2012 मॉडल की गाड़ी लग रही है और ये लग नहीं रहे कहीं से भी 2000 मॉडल की ऑल्टो VXR है। कंडीशन आप देख सकते हैं, बहुत वेल मेंटेन गाड़ी रखी हुई, ठीक है। अभी हम इसके अंदर K6 या 2012-14 मॉडल वाला इंजन डालेंगे, ठीक है। गाड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी यार, दिल खुश हो गया देखकर। ये आप देख सकते हैं कि अभी इसमें मैनुअल वाला मीटर लगा हुआ है, ठीक है जी, मैनुअल वाला जो है लीवर इसके अंदर रखा हुआ है। 2000 मॉडल गाड़ी लग ही नहीं रही कहीं से, देखें भाई इस तरीके की मेंटेन रखें, इंशाल्लाह गाड़ी में एवरेज भी अच्छा आएगा। मैनुअल वाले पैंडल आपने देख लिए होंगे, तो इंशाल्लाह अभी इसका इंजन सेटअप आपको दिखाते हैं, फिर इसे ऑटोमेटिक में कन्वर्ट करते हैं और 90% की मुझे उम्मीद है इसमें कि गाड़ी अच्छा एवरेज देकर जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से इस बंदे ने गाड़ी रखी हुई है तो यार जवाब ही कोई नहीं है। एक एक चीज़ इस गाड़ी के ओके, सस्पेंशन ओके, इंजन रूम आप इसका देखेंगे बिल्कुल क्लियर, ऐसा नहीं लग रहा कि 2000 मॉडल गाड़ी है, वरना 2000 मॉडल की गाड़ियां कहाँ मिलती हैं ऐसी। तो अभी चलते हैं और इस पर काम स्टार्ट करते हैं। ये इंजन का सेटअप जो हमने इसके लिए तैयार कर लिया है, तो कंप्लीट सेट है जो आप बार बार देखते रहते हैं, तो इस कंप्लीट सेट को जो अभी हम लेकर चलते हैं वर्कशॉप की तरफ, इंशाल्लाह गाड़ी में से भी जो फिर इंजन वगैरह खोलेंगे और साथ साथ जो आपको अपडेट भी करते रहेंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह इंजन वगैरह इसके अंदर जो हमने कम्प्लीटली जो है फिट कर दिया था गाड़ी में, कंप्लीट माउंटिंग्स वगैरह का, तो मैंने सोचा कि आप बार बार ये चीज़ें देखती रहते हैं तो इस चीज़ को जो स्किप कर दिया जाए और मेन पॉइंट की बात समझाई जाए, ठीक है। ये OS नंबर का कार्ड आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीटली फिट कर दिया, इंजन की वायरिंग शायरिंग सब कम्प्लीट कर दी है, बस इंजन को जो है अभी स्टार्ट करने की तैयारी है। आप देख सकते हैं इसका ऑयल वगैरह आया हुआ है, ठीक है जी, गेयर ऑयल का डब्बा डलेगा इसके अंदर, फिर इंशाल्लाह बस कुछ ही देर में इसे स्टार्ट करेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि BCM वगैरह की वायरिंग, स्कैनर वगैरह पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह कनेक्शंस वगैरह इसके पूरे करने के बाद जो है बस इसका वेट है, लास्ट काम हमारा ये बाकी रह गया है। तो अभी थोड़ी सी वीडियो शीडियो बनाने के बाद इंशाल्लाह फिर जो इसको कंप्लीट करेंगे। BCM की स्कैनर का ग्रिप आप देख सकते हैं, स्कैनर के ग्रिप के कनेक्शन मनेक्शन लीवर वगैरह सब चीज़ें जो है फिट है, बस फाइनल पे इंजन रूम से हमारी गाड़ी जो है कंप्लीट हो गई थी। अब इंटीरियर बाकी रह गया, लाइक BCM गियर लीवर और ये मीटर की वायरिंग वगैरह, ठीक है। BCM ये होता है, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन से कि भाई BCM क्या होता है, ये देख सकते हैं 64L02 नंबर का BCM इसके अंदर लगता है, जो कि ऑल्टो 2012 मॉडल का होता है, ठीक है। तो बस एंड है इंशाल्लाह, फिर जो है कुछ देर में सेटिंग मेटिंग करने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो भाई अभी आपको जो है स्टार्ट कर दिखा देते हैं, स्टार्टिंग का प्रोसेस जो हमने कर लिया है आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गाड़ी जो है हाफ सेल्फ पे स्टार्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इंजन बिल्कुल जो है अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, किसी किस्म की वाइब्रेशन रेस आप देख सकते हैं कि इंजन जो है बिल्कुल साउंडलेस है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा रेस नहीं देंगे क्योंकि अभी जो है इसका फर्स्ट स्टार्टअप के देख सकते हैं आप, स्लोली स्लोली अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है इंजन। अभी इसकी सेटिंग वगैरह होगी क्योंकि फर्स्ट स्टार्टअप होता है, तो फर्स्ट स्टार्टअप पे ना ज़्यादा रेसें दी जाती है ना कुछ किया जाता है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की अभी तक हमें वाइब्रेशन महसूस नहीं, क्योंकि वाइब्रेशन का जब तक सिलेंसर का काम नहीं होता जब तक वाइब्रेशन का पता नहीं लगता है। आप देख सकते हैं अभी भी गाड़ी सुने माशाल्लाह से, अभी भी गाड़ी सुने, किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन नहीं है। तो बस इजाज़त दीजिए, बाकी काम कंप्लीट करते हैं और इंशाल्लाह फिर आपसे जो है मुलाकात करते हैं। देखें साउंड माशाल्लाह से बिल्कुल जो है क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली गाड़ी जो है अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं कि कम्प्लीटली जो है इंटीरियर एक्सटीरियर हर चीज़, बैटरी मैटरी सब चीज़ें जो है अंदर से बाहर से सब जगह से कम्प्लीट हो चुकी है। ब्रैकेट आप देख सकते हैं, ठीक है जी, OS नंबर का कार्ड आप, जेट बार बार चीज़ें दिखाने का मकसद ये होता है कि जो भाई काम कर रहे हैं उनको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए और जिन कस्टमर्स को नहीं पता उनको भी जो है कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है जी। आप देख सकते हैं कि अभी जो है बस थोड़ी बहुत अभी सेटिंग चल रही है गाड़ी के अंदर की, मीटर आप देख सकते हैं कि ब्लू डायल में डाला है इस दफ़ा RPM वाला और ये ब्रेक पेंडल आ गया है इसका, ठीक है जी। स्टार्ट करके आपको दिखा देते हैं इंशाल्लाह, फिर इसे ट्रैक की तरफ लेकर निकलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें जी माशाल्लाह से हाफ सेल पर जो है गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, अपना RPM वगैरह इसने सब पकड़ लिया है, फ्यूल गेज
हीट का हीट कूल सब काम कर रहा है। आरपीएम देख सकते हैं, साउंडलेस इंजन है माशाल्लाह से, बिल्कुल परफेक्ट। इंजन का साउंड आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है माशाल्लाह, किसी किस्म की वाइब्रेशन नहीं है। सब गेज फ्यूल गेज वगैरह सब कुछ जो है इसका काम कर रहा है, ठीक है। बाहर से भी जो है गाड़ी माशाल्लाह बिल्कुल सुन है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है अपनी जगह पर इंजन खड़ा हुआ है, किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन कोई दर्दराहट जो इंजन में नहीं। तो अभी जो है इसे लेकर चलते हैं ट्राई की तरफ। गाड़ी जो कि 18-19 किलोमीटर की एवरेज दे रही थी, फिर थोड़ी सी रनिंग के बाद 21 किलोमीटर की रनिंग एवरेज दे रही थी। एज अ कस्टमर रिव्यू, कस्टमर ने मतलब कैमरे में तो जाहिर सी बात है हर कोई बंदा कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहा होता, बट उनकी जब मेरी मैसेज से बात मैसेज पर बात हुई तो उन्होंने मुझे ये बोला, जाहिर सी बात है जो कस्टमर थे वो हमारे यूट्यूब से ही आए थे, मैं झूठ तो नहीं बोल सकता कि आप समझ रहे हो क्या झूठ बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता 18 से। हकीकत है सर, देखें मैं शुरू से बोलता हुआ रहा हूँ कि गाड़ी की जो एवरेज का डिपेंड करता है वो गाड़ी की कंडीशन पर डिपेंड करता है, कि बंदा किस पैर से गाड़ी को ड्राइव कर रहा है इस पर डिपेंड करता है। ये जो कस्टमर है, जब मैंने उनके साथ ड्राइव दी ली तो 40 से 50 की स्पीड से जो है गाड़ी को चला रहे थे, इससे ऊपर नहीं जा रहे थे। तो जाहिर सी बात है फिर तो ये पॉसिबल हो सकता है कि इनकी गाड़ी 21 का भी एवरेज दे रही हो, क्योंकि सर पैर पर डिपेंड करता है। ये तो नहीं है कि आप 100 की स्पीड से चलाएं, 110 की स्पीड से चलाएं और बोले फिर मुझे 20 की एवरेज मिले 21 की एवरेज, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। डिपेंड करता है आपके रोड्स के ऊपर कि क्या आपके रोड्स क्लियर हैं या नहीं, क्लियर रोड मिल रहा है या नहीं। फिर इसके बाद गाड़ी की मेंटेनेंस पर डिपेंड करता है। यार 2000 मॉडल की गाड़ी थी उस बंदे की, और गाड़ी की कंडीशन आपने वीडियो के अंदर देखी होगी कि किस हिसाब से जो उसने बिल्कुल ओरिजिनल हालत में गाड़ी को मेंटेन करके रखा हुआ था। एक रुपए का गाड़ी के अंदर काम नहीं था, उसका सस्पेंशन ओके था, उसकी बॉडी एक एक चीज हर जगह से ओके थी। तो ये डिपेंडेंट करती है एवरेज पे। आप बोलते हैं कि आपका सस्पेंशन वीक है, आप बोले कि यार मेरी गाड़ी अच्छी है एवरेज, सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कोशिश करें कि जब आप गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक इंजन लगवाएं तो उसके साथ सारा सामान जो है वो ओरिजिनल लगवाएं, सारा सामान ओरिजिनल लगवाएं और सस्पेंशन ओके रखें, सब चीजें ओके रखें, मेंटेन रखें, नॉर्मल पैर रखें अपना। चले यार अगर आप 50 की स्पीड से नहीं चला सकते, 80-100 की स्पीड से चला सकते हैं तो इस पर मैक्सिमम तो जाहिर सी बात है 15 से अब एवरेज मिलेगा। तो मैक्सिमम जो एवरेज होता है नॉर्मल पैर से अगर हम 100, 110, 120 की स्पीड से चलाते हैं तो इन गाड़ियों का नॉर्मल 15 से 17, 18 किलोमीटर तक, ज्यादातर गाड़ियों की जो आते हैं वो हमारे पास 15, 16 तक के एवरेज आते हैं। तो अगर मेंटेनेंस अच्छी रखेंगे तो इंशाल्लाह 20-21 के एवरेज आपकी गाड़ी भी देगी। तो इतनी लंबी बात करने का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखें एवरेज का, जितनी अच्छी गाड़ी की मेंटेनेंस रखेंगे, जितना हल्का आप पैर रखेंगे उतनी अच्छी आपकी गाड़ी जो है एवरेज देगी। और ये जो अभी हमने प्रोजेक्ट किया, इस सामने आने का मकसद यही है कि 2000 मॉडल की गाड़ी और गाड़ी की मेंटेनेंस कंडीशन से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी साफ सुथरी गाड़ी थी। लग रहा था 2012 मॉडल की गाड़ी है यार। तो यहां पर करते हैं वीडियो का एंड। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, इस तरीके की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑटो पार्ट्स वाला को सब्सक्राइब करें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।